गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं गैस, अभी 6 AM हो चुके हैं। और गैस अभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कहाँ जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा। और फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैं बताने वाला था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गैस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, जो यहाँ से एटलीस्ट 165 किलोमीटर है। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज अपने गांव जा रहे हैं। हमारे साथ जा रहा है एरिक, मुक्ति भैया और एलेक्स पहली बार अपने घर जा रहा है। मुंह बंद करो। अभी हम लोग गैस जा रहे हैं भैया को लेने। भैया गए हैं ड्यूटी और ड्यूटी से लौट चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन भैया को लेने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग साथ में गांव की तरफ चलेंगे। तो चलो चलते हैं। फिलहाल पहुंच चुके हैं स्टेशन के पास। अब देखते हैं, भैया तो अभी नहीं आए हैं, थोड़ा वेट करते हैं, भैया आएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। फिलहाल भैया आ गए। गुड मॉर्निंग भैया। अब हम लोग रिसीव कर लिया स्टेशन से, अब कहीं नहीं रुकेंगे। हम लोग रुकेंगे डायरेक्ट एक प्लेस है माझा टोली, वहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। चलो चलते हैं आगे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं गाइस। सिटी के बाहर आने से ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हरे हरे सारे साइड में हरे हरे खेत हैं। अभी तो धान की कटाई भी चल रही है, सो काफ़ी ब्यूटीफुल और वेदर भी काफ़ी अच्छा है गाइस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। और गांव के साइड दिखाएंगे गाइस, गांव की तरफ तो और भी ब्यूटीफुल लोकेशंस है। सो चलो मैं दिखाऊंगा। बट अभी यहाँ पे एलेक्स भी थोड़ा फ्रेश हो रहा है, उसके भी कपड़े चेंज हो रहे हैं। अरे क्यों चुप रहे हो? गाड़ी आ रहा है बेटा। सो हमारा रिफ्रेशमेंट हो गया गाइस, थोड़ा देर हम लोग रिफ्रेश हो गए थोड़ा। सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलो। फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं माझा टोली और अब हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस। सो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। पागल तो? थैंक यू। इधर इधर। थैंक यू। आप ज्यादा इरिटेट हो। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, रोटी रोटी और सब्जी। मम्मी तुम क्या खा रही हो? इडली सांभर। इडली सांभर, मम्मी इडली सांभर खा रही है। एरिक तो स्टार्ट कर चुका है, अब मैं भी स्टार्ट करता हूँ गाइस। मिलते हैं खाने के बाद। सो माझा टोली में हमारा सारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और अब हम लोग बढ़ चुके हैं गांव की तरफ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर सिलफाड़ी गांव में। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बड़ी मम्मी के यहाँ। वैसे भी हम लोग 1 ईयर में एक बार आते हैं ना कैसे, इधर तो सबसे मिल लेना अच्छा होगा। जो अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ। पहुँच चुके हैं, जो है ये वाला, ये मेरी बड़ी मम्मी का घर। सो फिर फाइनली हम लोग अपने बड़ी मम्मी के घर पे पहुंच चुके हैं। बड़ी मम्मी से मिला अपन, हम लोग मिल लिए और अब हम लोग आ गए इधर पे। छोटा सा गार्डन है और ज़्यादातर होता गाइस ऐसा है कि हम लोग जब भी शहर से निकलता है ना, तो ऐसे जगह पे घूमना बहुत पसंद आता है। गांव में जाना पूरा, देखो इधर कितना सुंदर लग रहा है।
खूबसूरत। और इस साइड पीछे साइड तो गाइस पूरा जंगल है। हाँ। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, सिलफारी गांव, जो चैनपुर से एटलीस्ट 3 या 4 किलोमीटर है। सो फिलहाल अभी जाते हैं घर पे, सबसे मिलते हैं, अच्छे से बैठ। यहाँ पे बैलों को रखते हैं ना, पे है मेरी बड़ी मम्मी का घर, काफ़ी खूबसूरत है गाइस। बच्चे अपने बैल को जंगलों की तरफ ले जा रहे हैं गाइस। देखिए यहाँ पे है मेरी बड़ी मम्मी का घर, और जस्ट इसके अपोजिट में, रोड के जस्ट अपोजिट में है गाइस एरिक की नानी का घर। एरिक की नानी लगती है गाइस, उनका घर भी यहीं पे है। सो भैया लोग थोड़ा यहाँ भी मिलने के लिए गए हुए हैं, और जस्ट मिलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके कुछ एक बार रास्ता ठीक है तब ना। ठीक ठीक फिलहाल बड़ी मम्मी लोग के घर से हम लोग निकल चुके हैं, और हालत ही खराब हो रहा है। हमें बड़ी मम्मी लोग के घर से और एरिक के नानी के घर से बहुत सारा बादाम मिला, और सारा बादाम वगैरह हम लोग ले लिए, और अब जा रहे हैं अपने गांव। अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग अपने गांव की तरफ ही जाएंगे। हालत खराब हो गया, कैसा लग रहा है? पूरा ठंडा ठंडा, पूरा शरीर रो रहा है, टप 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 लग रहा था। देखो दादू का स्कूल, दादू आपके दादू पढ़ाई किए थे। अब हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, लट्ठा टोली, ये हमारा अपना घर है गाइस। मेरे चाचा जी हैं, मेरे छोटा भाई आशित, मेरी चाची, मेरा छोटा भाई लोग जो गांव में रहते हैं गाइस, ये लोग भैंस को चारा दे रहे हैं। सो देखते हैं कैसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पूरा छांव है। आशित, आशित है मेरा भाई, है छोटा भाई अर्पण, अर्पण है, अर्पण भी मेरा छोटा भाई है। सुनील बाबू यहाँ पे, वो भी चारा दे रहा है। और नीरज, नीरज भी मेरा भाई है, और सारे लोग चारा दे रहे हैं भैंस को। सुनील का घर कहाँ है? हाँ सुनील, किधर है तुम्हारा घर? वहाँ पे है, देखो कुछ पिग यहाँ पे है, ये भी हमारा पिग है, कुछ बारिश से बचने के लिए है ये कैस बना हुआ, पत्तों से इसे सील के बनाया जाता है, और बारिश में ये बचने के काफ़ी काम आता है। फिलहाल अभी घर पे हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। आगे उधर पे एक पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे पे एक पॉन्ड है, सो हम लोग उधर ही जा रहे हैं देखने के लिए उस पॉन्ड को। तो चलो चलते हैं आगे, फिर मैं दिखाता हूँ व्यू कैसा है। ये रहा, आप देख रहे हो कितना ऑसम व्यू आ रहा है इधर। ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड के जस्ट आगे पूरा जंगल है गाइस, घना जंगल है। ऊपर पता नहीं इस पे दिख रहा है ना कैमरा पे, बट आगे एकदम घना जंगल है, उसी के जस्ट नीचे में ये पॉन्ड है। मैं अब आ गया हूँ पॉन्ड के काफ़ी करीब गाइस, और ये देखो पॉन्ड है, आई थिंक काफ़ी गहरा ही है, काफ़ी गहरा है गाइस, गहरा, छोटी छोटी फिश
छोटी छोटी फिश भी है। और चलो, काफ़ी अच्छा लगा गांव में इतने दिनों बाद आकर के। सो फिलहाल अभी हम लोग पहाड़ के नीचे जो पॉट देखने आए थे कैसे वो देख लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। एलेक्स अपने चाचा के कंधों पर बैठ के गांव घूम रहा है। ये देखो गाइस, गांव की बच्चियां भी है, ये लोग भी बैलों को जंगलों की तरफ ले जा रहे हैं और फुटबॉल भी ले जा रहे हैं गाइस हम लोग उधर खेलने के लिए भी शायद। सो फिलहाल अभी हम लोग गांव से अब निकलने वाले हैं। हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है बिकॉज़ अब काफ़ी दूर भी जाना है हमें रांची से। हम लोग काफ़ी पहले निकल रहे हैं, आज 3 बजे ही, अभी 3 बज रहे हैं और अब लोग अभी निकलने वाले हैं। सो अब सब कोई मिल के आ रहे हैं, मम्मी मिल के आ गई, भाभी जस्ट अभी मिलने गई है, चलो उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ ठीक था ना, ठीक था, हाँ ठीक, बाय बाय, धन्यवाद। सो फाइनली अब हम लोग अपने गांव से निकल चुके हैं गैस और अभी बज चुके हैं 3:25 और देखते हैं कितने देर में हम लोग रांची का पहुँचते हैं। और आई थिंक हमें लग जाएगा 8 बजेंगे लग रहा है घर पहुंचने में हमें। सो देखते हैं फिर से हम लोग माजा टोली में एक बार ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे गैस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ऊंचा सा पत्थर का पहाड़ है गैस और यहाँ पे बोलते हैं कि पहले जब राजा लोग सफ़र करते थे तो यहाँ पे स्टे करते थे और बहुत सारा सोना चांदी यहाँ पे छुपा के रखे हैं ऐसा कहा जाता है। फिलहाल अभी हम लोग माजा टोली पहुँचने वाले हैं। माजा टोली में जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह किए थे गैस, वहाँ पे अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे गैस। चलो वो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट किए थे बट हम लोग अभी रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पीने अब दूसरे होटल पे जा रहे हैं, गाँव ढाबा। फिलहाल पहुँच चुके हैं माजा टोली और अभी हम लोग आए हैं गाँव ढाबा पे और थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं गैस, उसके बाद फिर मिलते हैं चाय वाय पी लग के। ओके तुम बैठोगे यार एक कर में रहोगे। ओके फिलहाल माजा टोली से हम लोग रिफ्रेशमेंट के बाद अभी निकल चुके हैं गैस और अभी बज रहे हैं 5:11 और 2.5 घंटे में हम लोग रांची पहुँच सकते हैं गैस, उससे भी लेट हो सकता है। सो अभी तो हम लोग माजा टोली से गुमला की तरफ जा रहे हैं, गुमला में अब तो कहीं नहीं रुकना है गैस, वैसे अपन लोग सीधा घर की तरफ ही जाएंगे रांची की तरफ। सो चलो देखते हैं कितने देर में घर पहुँचते हैं। सो फाइनली गैस हम लोग अपने घर पे रात के 8 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं गैस और लिटरली काफ़ी अच्छे, सो लिटरली आज काफ़ी अच्छा लगा गैस। हम लोग काफ़ी 1 ईयर में एक ही बार हम लोग अपने विलेज की तरफ जा पाते हैं गैस क्योंकि सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। सो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस।